जी बेसिकली क्रिकेट तो हमारे एक इंडिया में तो एक रिलीजन के तौर पे माना जाता है, तो हम भी एक ये जो फॉर्मेट है अंडर आर्म क्रिकेट वो ज़्यादा उसको कभी इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है। तो हम क्या कर रहे हैं कि बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत से ओनर्स हैं जो बहुत इंटरेस्टेड है क्रिकेट में, बहुत इंथुजियास्टिक है, तो ये जो एक टूर्नामेंट हमने इनिशिएट किया है उसमें 20 मोस्ट प्रोमिनेंट ओनर्स बॉम्बे से उन्होंने एक टीम ली है और 440 प्लेयर्स लोग की ऑक्शन हुई थी ताज में। और ये यूनिक फॉर्मेट है अंडर आर्म क्रिकेट का, क्योंकि अंडर आर्म क्रिकेट एक 16 साल का युवा भी खेल सकता है और एक 60 साल का इंसान भी उसी जोश से खेल सकता है। तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है ये जिसमें सब खेल सकते हैं। पिछले हफ्ते युवराज सिंह जी भी आए थे हमारे टूर्नामेंट में सपोर्ट करने के लिए और उनको भी अंडर आर्म क्रिकेट एकदम अलग लगा।
तो हम यही चाहते हैं कि जितना लंबा ये टूर्नामेंट जाए उतना ज़्यादा हमें सपोर्ट मिले। अभी जैसे कि शान जी परेशानी तो नहीं हो रही है, क्योंकि मेरा यही मानना है कि ये एक स्पोर्ट है और एक फिटनेस रिलेटेड स्पोर्ट है, तो जो भी आ रहा है वो इस कॉज को सपोर्ट करता है, क्योंकि हर एक जो इंसान जो आ रहा है जो ये ओकेजन को ग्रेस कर रहा है वो व्यक्ति इस टूर्नामेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते नहीं हैं और ऐसे भी लोग हैं जो अंडर आर्म के प्रोफेशनल खेलते हैं, तो एक ही टीम में आप ऐसे भी लोग को पाओगे जो दिन रात क्रिकेट खेलते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो साल में एक बार खेलते हैं, तो एक परफेक्ट मिक्स एंड मैच है। जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, बिल्डर्स हैं, एक्टर्स मॉडल्स हैं, वो सब एक टीम में खेल रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे हम सब काम करते हैं, सैटरडे संडे रिलैक्सेशन मोड में होते हैं, तो सैटरडे संडे को ही ये टूर्नामेंट होता है और बहुत एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, इसीलिए हम इतने लोग आके हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो परेशानी तो नहीं हुई है उसमें। सर क्या करें, किस तरह का रिस्पांस देखने मिला है, क्योंकि ये पॉपुलर हो गया है ये इतने ही दिनों के अंदर? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें हम हर सैटरडे संडे को 4 बजे हमारी मैचेस चालू होती है, तो जैसे ही सन सेट होता है 7 बजे के बाद और भी लोग आते हैं, तो हमने एक ऐसा कार्निवल का एनवायरनमेंट रखा है, क्योंकि हमारे पास बहुत स्पॉन्सर्स भी है, चाइना गेट झामा जैसे, तो जो भी ऑडियंस है उनको किसी भी चीज़ के लिए, मतलब जैसे अगर हम इंटरनेशनल मैच पे जाते हैं तो उधर हमको खरीद के जो भी करना पड़ता है, तो इधर सब हमारे स्पॉन्सर्स किसी को चार्ज नहीं करते, ऑन द हाउस सब खाना ड्रिंक सब ऑन द हाउस है, तो जो भी इंसान आके देखता है वो एक अपने माहौल अच्छे माहौल में है। हमने डगआउट बनाया है और 8 से 10 प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कैमराज कवर कर रहे हैं, 5 अंपायर है ऑन फील्ड, रिव्यू सिस्टम है, तो बहुत ही प्रोफेशनल मैनर के थ्रू हम लोग ने ये फॉर्मेट डिज़ाइन किया है और रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। यूट्यूब पे भी हज़ारों लाखों व्यूज़ है हमारे और हम यही चाहते हैं कि हर साल हम ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा ऑडियंस व्यू करने के लिए। जी लग रहा है कि और भी लोगों को शामिल करना चाहिए, मगर अभी 20 टीमों को तो कर दिया, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह अगले सीज़न और भी थोड़ी टीमों को देंगे, मगर मेन चीज़ ये है कि जितना हम यूनिक रख सके टूर्नामेंट, क्योंकि हमने इंक्वायरीज तो बहुत आई थी मगर हमने ऐसे 20 ओनर्स को चूज़ किया जो सच्ची स्पिरिट में क्रिकेट खेलना चाहेंगे, जो गेम के बारे में ज़्यादा इंथुजियास्टिक हो और जो प्लेयर्स को और बढ़ावा और मोटिवेशन दे सके, तो उस हिसाब से हमने क्रिकेटर्स क्रिकेट प्लेयर्स को भी चूज़ किया है और टीम ओनर्स को भी चूज़ किया। सर क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा या आगे?